ठीक है चलो। ये अपना लास्ट है, इसमें चार पॉइंट है ठीक है। उसके बाद हमें बनाना है इसमें इनिटर, ये हमने इनिटर बनाया। इनिटर चूंकि अलग अलग तरीके के होते हैं, इसमें टेंपर भी हो सकते हैं, चार भी, छः भी, आठ भी, दस भी, ये अपने लैपटॉप के कनेक्शन पर डिपेंड करते हैं। उसके बाद हमें इसकी सप्लाई इनपुट कराना है, एक मीटर और एक फेस। इसके बाद अपन को कैपेसिटर लगाना, क्योंकि इसमें हम दो कैपेसिटर भी लगा सकते हैं और एक कैपेसिटर भी लगा सकते हैं। अब लैंप लेना है मन को, एक देखो ये स्लोप हो गया, आपूर्ति हो गई, सोर्स है अपना, एसी सोर्स लेना पड़ेगा 250 वोल्ट। उसके बाद यहाँ पे अपना लैंप का सिंबल हो गया इस तरीके का, या आप इस तरीके का भी बना सकते हैं, साइमेट्रिकल भी सिंबल बना सकते हैं। अब अपने पास ये कनेक्टर तार है, इनको अपन को जोड़ना है आपस में। चार चीज़ें इसमें मैन हो गई, और उनके साथ कैपेसिटर भी लग गया अपने पास, कनेक्टर हो गया है और बैलास्ट हो गई है और लैंप हो गया। लैंप के दो ही टर्मिनल रहेंगे। अब इन सभी चीज़ों को अपने पास कनेक्टेड करना है। कनेक्टेड करने के लिए सर्किट के थ्रू अपन करेंगे। सबसे पहले जो लैंप को अपन को जोड़ना है, इस लैंप में एक टर्मिनल हमेशा कॉमन होता है, ये कॉमन दिया जाता है। इसके बाद इसका एक पहला टर्मिनल एक हीटर से जोड़ दिया जाता है, मतलब एक लैंप और एक हीटर से कनेक्टेड हो गया। अब जो अपने सेकंड बचा है वो बैलास्ट, मीटर और आपूर्ति से जोड़ना है। इसके बाद जो इग्निटर के दो तार निकलेंगे अपने, एक इसके ऊपर जुड़ने जाएगा, एक अपना ये बीच वाले कॉन्टैक्ट से जुड़ने जाएगा और एक वो यहाँ पे जुड़ जाएगा। उसके बाद एक जो लास्ट वाला बचेगा वो अपन दो में कॉमन जोड़ते हैं, इसको इस तरीके से जोड़ेंगे। ये वाला जो मीटर जाएगा अपना, ये इससे जाके इस तरीके से इससे भी टचिंग होता है और इसकी इससे भी टचिंग होती है, मतलब दो कॉन्टेक्टर होते हैं जो बैलास्ट के दोनों से टचिंग होती है। ये अपना पूरा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। इसमें अपन फेस और मीटर इनपुट करेंगे, ये अपना सर्किट है, इसको एक मीटर बोलेंगे